खलेस गुंडा है, गुंडा गलती कराता है, लड़की अतका पढ़ने नहीं जाती 6 बजे के बाद, सुना हुआ कार बांटे जब भी नहीं होगा, योगी होगा, योगी हम कह रहे हैं, हाँ योगी होगा, वो कार बांटे चाहे हेलीकॉप्टर बांटे नहीं होगा, योगी की सरकार बनेगी। अंसारी का मुख्तार अंसारी ने कर दिया और 5 साल आ गई ना, चमत्कार ऐसा होगा कि जिंदगी में याद रखेंगे अखिलेश। स्थिति ऐसे मान लो राम राज में रह रहे हैं इस टाइम, ये राम राज चालू हुआ है। योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे ब्रिज में इतना बढ़िया काम किया है योगी जी ने, इनसे ज्यादा किसी ने नहीं काम किया है। अब की सरकार योगी जी की फिर आएगी। योगी 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 गुंडा है योगी, परमात्मा की कृपा से सब भला कर रहा है, सबका भला, सबका साथ है, सबका विकास है, और अखिलेश गुंडा है, गुंडा गलती कराता है, लड़की अतका पढ़ने नहीं जाती 6 बजे के बाद, अब देखिए 12 बजे जाती है लड़की ट्यूशन करने, कहीं भी जाती है लड़की 12 की जय। तो वो अखिलेश यादव कह रहा है फ्री लैपटॉप फ्री साइकिल दूंगा, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, सुना हुआ कार बांटे जब भी नहीं होगा, योगी होगा, योगी हम कह रहे हैं, हाँ योगी होगा, वो कार बांटे चाहे हेलीकॉप्टर बांटे नहीं होगा, हाँ सरकार योगी की बनेगी पक्का 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 योगी की सरकार बनेगी। देखिए हमने 2012 में उनको मौका दिया था, अगर वो अच्छा करते तो 17 में हमको उतारना क्यों पड़ता। मुख्तार अंसारी ने कर दिया, जितने भी गुंडे उनका न्यू हो जाएगा, अखिलेश का भी नंबर आएगा, चिंता मत करो आएगा, जितना घोटाला करा सबका आएगा। सड़क घोटाला खुल रहा, सड़क का आएगा सब खुल रहा उसका, तो रखा धीरे धीरे सबका आए, अभी तो 5 साल भैया और 5 साल आ गई ना, चमत्कार ऐसा होगा कि जिंदगी में याद रखेंगे अखिलेश। मथुरा क्षेत्र के कितने लोग योगी जी के साथ हैं? मथुरा खा तो पूरा योगी कहिए, सब सब हम भी साथ हैं, सब साथ हैं, हाँ। योगी की सरकार योगी 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 योगी। क्या नाम आपका? क्या नाम? राहुल, महुली का रहने वाला हूँ। योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे ब्रिज में इतना बढ़िया काम किया है योगी जी ने, इनसे ज्यादा किसी ने नहीं काम किया है, अब की सरकार योगी जी की फिर आएगी। योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अखिलेश यादव और मायावती कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज है इस क्षेत्र के, और जो है वोट नहीं है, ब्रिज का आदमी कोई नाराज नहीं है योगी जी से, योगी जी के हम संग है, भारत पूरा संग है, मथुरा पूरा संग है। मेरा नाम छोटू है, अखिलेश यादव की गुंडागिरी चली थी, अब नहीं चलेगी योगी के राज में, योगी बाबा जिंदाबाद। वो कह रहे हैं युवा मेरे, हाँ भाई, अरे हमको नहीं बात चाहिए लैपटॉप, गुंडागिरी के राज में चाहिए, पुलिस भी नहीं सुनती अखिलेश के राज में, हमको नहीं चाहिए, हमको बाबा चाहिए, योगी बाबा चाहिए। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, एक एक करके बोलो, एक एक करके, बहुत बढ़िया, साइकिल फ्री लैपटॉप पे वोट जाएगी कि योगी जी के काम पे वोट जाएगी? योगी जी के काम पे वोट जाएगी। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा चाहिए, नहीं अखिलेश चाहिए, नहीं राहुल चाहिए, हमें तो योगी बाबा चाहिए, हाँ योगी बाबा की सरकार आएगी और रहेगी, योगी बाबा अमर है। सारी जगह विकास हो रहा है, लाइट अच्छी आ रही है, रोड अच्छे बन रहे हैं, सारे घाट अच्छे बन रहे हैं, सारे मंदिर अच्छे बन रहे हैं, सब सुख सुविधा बन रही है, अच्छी चीज है, सब कुछ सही हो रहा है, हमें यही चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें लैपटॉप नहीं। बिजली मंत्री इसी एरिया के हैं, कुछ प्रभाव है बिजली का वैसे पूरे? बहुत अच्छी आ रही है, और नहीं जाती है 24 घंटे। सुना, हिंदुओं को तो 1 रुपया नहीं, और मोहम्मदों की लड़की शादी उनको 50,000 दे रहे अखिलेश जी, हिंदू तो वैसे ही है, 50,000 उनके बल जाएंगे। नहीं गलत गलत सब नहीं, गलत नहीं गलत नहीं, हमारी सरकार ने, हिंदू इंसान नहीं है, ठीक है, हमारी सरकार, हमारी सरकार ने सबके लिए एक समान किया है,
सुनो सुनो, हमारी सरकार ने सबके लिए एक समान किया है, जबकि हम हिंदू लोग नहीं जाते भाई, हमारे मोमडन भाई जो सब लोग जाते हैं, सब लाइन में लग के सारी सुविधा पाते हैं, जबकि हम तो अपने घर रहते हैं, हम नहीं जा पाते कहीं पे भी, लाइन में जाते हैं वही सब सुविधा लेते हैं, मगर फिर हमें कोई टेंशन नहीं, मगर सब सुविधा सबके लिए होनी चाहिए, हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब विकास हो रहा है सरकार में, योगी जी सरकार, बताइए किसी ने बांटा, अभी योगी सरकार जरूरी है, देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए योगी आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, तेल सब बढ़ जाता, सब दो नंबर में जाता, चीनी दो नंबर में, मट्टी का तेल जाता, अब गेहूं एक रत्ती, बता दो कहां जा रहा, सब किसानों को बट रहा है, सबको मिल रहा है, मुसलमानों को मिल रहा है, राशन पूरा मिल रहा, पूरा, अब महीना में दो बार। अच्छा सुनो, दिल्ली में राकेश टिकैत बैठा है बॉर्डर पे, और वो राकेश टिकैत यूं कह रहा किसान नाराज है, किसान मरेगा, ये राजनीति है, किसान कौन कौन है, हम सब किसान हैं, किसान और राकेश टिकैत के साथ कौन कौन है, कोई नहीं है, सुना सुना उनके साथ में नहीं है, कोई नहीं, अरे हम गए थे गांव, उसे कोई नहीं पूछता है, गांव हम गए थे सिसोली, उसके पिताजी को हमने देखा, वो बड़ा पैसे लेने वाला, खाने वाला, दो दो चार चार कांग्रेस से ले लिया, कांग्रेस से गुनगा रहा है, मां गया बंगाल ममता से ले लिए, वो तो बेकार आदमी है, सब किसान है ना, इस एरिया के किसान टिकैत के साथ नहीं, नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, एक भी किसान राकेश टिकैत के संग ना रहेगा ना है, यहाँ के किसान अटका है, किसी को आंदोलन नहीं चाहिए, यहाँ तो मेहनत का खाते हैं, करते हैं, सुबह सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे, खा पी के अपना मस्त, देखो जब से योगी जी की सरकार बनी है, पहली बात तो काम ऐसे ऐसे बढ़िया हुए हैं, जो राम मंदिर आज तक नहीं होना था वो हुआ, ठीक है, और हमेशा के लिए हुआ है, ठीक है, तो इसको हम मानेंगे कि योगी सरकार ही निश्चित है। जब लाइट चली जाती ना, लाइट चली जाती थी, सात सात दिन तक आदमी परेशान रहते, सारी कॉलोनी, पानी तक नहीं मिलता पीने के लिए, अब एक मिनट के अंदर लाइट लगती है, लाइट आती है। क्या नाम आपका? जगदीश शर्मा जी। हमें को योगी जी चाहिए दोबारा से जी। तो शर्मा जी कितना असर है इस क्षेत्र में, शर्मा कितने साथ है योगी जी के? जी पूरा संघ साथ है जी, शर्मा जी संघ साथ है पूरे, सर अरजीत से तैयार थे जी जी, कोई कोई चीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, झूठी अल्लाह सर, झूठी बात है, झूठी बात सर। अच्छा आप सब युवा हो, तो युवाओं का क्या रुख है मथुरा क्षेत्र का? सब योगी के लिए जी, योगी जी के साथ, योगी जी के साथ, योगी जी के साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुना सुना आप ये बताओ, युवा हो, योगी जी के साथ क्यों हो, क्यों आनी चाहिए उनकी सरकार? जरा योगी जी के साथ इसलिए है कि बीते 4.5 सालों में उन्होंने बहुत कुछ किया है युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने किया है, और बहुत कुछ कर रहे हैं वो, हमको पूरी उम्मीद है। कोई भी दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुंडा गलती खत्म है, लड़की जा रही है ट्यूशन पढ़ने 8 बजे, सुरक्षित अपने घर आ रही है, सारे जो भी कहानी है, स्थिति ऐसे मान लो राम राज में रह रहे हैं इस टाइम, ये राम राज चालू हुआ है। 40 साल की कह रहा हूँ, पहले कांग्रेस थी बढ़िया कराता, इंदिरा गांधी बढ़िया थी, उसकी बुरा नहीं कर रहे, जो 40 साल बाद पहला जो बादल दिखाई दे रहे हैं, ये 40 साल पहले था ये मौसम। बहुत अच्छा रिजल्ट। क्या नाम? राजेश गौतम। कैसा लगा योगी जी आए जन्माष्टमी पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, यहाँ का जो है आज तक किसी ने नहीं किया है ऐसा जो है। हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। इसका असर क्या चुनाव पे पड़ेगा? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा। क्या नाम? प्रमोद अग्रवाल। हाँ जी। कैसा लगा योगी जी जन्माष्टमी मना रहे हैं साथ में? बहुत अच्छा लगा सर, 3 साल से प्रोग्राम मना रहे थे, वो कैंसिल हो रहा था, इस बार आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। क्या नाम आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी क्या कहेंगे, योगी जी ने इस ब्रज क्षेत्र में जो विकास के काम गिनाए, उससे कितना असर ब्रज क्षेत्र की जनता पर पड़ेगा? बहुत अच्छा पड़ेगा, पूरी ब्रज को बहुत ही बढ़िया लगा है, और पूरी संस्था आती है, पूरी बाहर से जो जनता आती है उसको भी अच्छा लगता है, जो इनने विकास किए हैं बहुत ही बढ़िया किए हैं, इससे बढ़िया से नेताजी कोई भी नहीं आए, जो अखिलेश जी उनने भी कोई काम नहीं किया था कभी मथुरा की तरफ, तो उनने झांका ही नहीं कहा, अखिलेश जी ने कहा मथुरा कैसा है, मथुरा में कभी जन्माष्टमी बनती है ही नहीं बनती, कभी नहीं देखा उनने, तो उनने खाली
क्या देखा, साइकिल दौड़ाओ और फुटपाथ बनाओ, ये देखा है? कभी ब्रिज में आएगा, कभी ये देखा नहीं क्या हो रहा है ब्रिज के अंदर? जय राजस्थान के विकास का वोट पे फर्क पड़ेगा क्या? आने वाली सरकार किसकी आएगी, क्या सोचते? योगी जी की आएगी, योगी ही आएगा, योगी ही आएगा, कोई रोकने वाले नहीं, योगी की, कोई रोकने वाला नहीं। क्या नाम आपका? रवि गौड़। रवि गौड़ जी, कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और योगी जी आए हैं और उनके आने से सभी लोगों को बहुत खुशी हुई है, क्योंकि इससे पहले जन्माष्टमी बनी रही है यहाँ पे, कई बार जन्माष्टमी बनी है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी विधायक जैसे नहीं आया है जैसे उन्होंने बताया है। लेकिन जब से ये आए हैं और सभी लोगों के प्रति उनके उनके सम्मान में उनके, देखिए आप कितने पब्लिक आई है उनको देखने के लिए, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, इतना बढ़िया आयोजन किया गया है। लेकिन इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री या किसी प्रकार के मंत्री वगैरह नहीं आए, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा वो आए, तो बहुत बहुत खुशी हुई सर। पहले सैफई में कार्यक्रम होता था ना, उसके बारे में और आज की तुलना कैसे करो? सर सैफई में जो भी कार्यक्रम होता था उसके बारे में हम तो नहीं जानते इतना अच्छे से जितना हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे मथुरा में योगी जी आए हैं और उन्होंने इतना अच्छे से कार्यक्रम किया है। योगी जी ने विकास कार्य दिखाए, एक स्लाइड दिखाई गई थी, इसके बारे में आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे यहाँ की जनता के, युवा का क्या रुख है? युवा का यही रुख है कि उनको बेरोजगार, जिनको बेरोजगारी है उनकी बेरोजगारी को दूर करें सबसे पहले, और जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनमें योगी जी ने बहुत अच्छा से काम किया है, उसमें कोई दोराई नहीं है। योगी जी के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी बहुत अच्छे से सहयोग किया है, और खासकर कोरोना को देखते हुए बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा हुआ है।